अलोक निरंजन, अलोक निरंजन। क्यों साधु जी महाराज, तुम्हें क्या चाहिए? हमें तुम्हारे सेठ नरसी के हाथ से भिक्षा चाहिए। ठहरो साधु जी, मैं नरसी सेठ को जाकर कहता हूँ। ठीक है। डोडी आगे नरसी जी, दो साधु खड़े भिकारी। कह दो जाके नरसी जी ने सता रही बीमारी। डोडी आगे नरसी जी, दो साधु खड़े भिकारी। न्यू कह रहे नरसी की।
मिल गए क्या नरसी सेठ? साधु महाराज, सेठ जी बहुत बीमार हैं। आज भिक्षा नहीं मिल सकती। क्यों? और हाँ, उन्होंने आज लोग किसी को भिक्षा दी नहीं। क्यों टाइम खराब करो महाराज, कहीं और जगह जाकर मांग लो। लेकिन भिक्षा तो हम नरसी सेठ से लेकर ही जाएंगे, चाहे हमें कितना भी इंतजार करना क्यों ना पड़े। साधु महाराज, मारे सेठ जी इतने कंजूस और लालची हैं, उन्होंने आज तक किसी को एक कोटी नहीं दी। वो धनमाया के सामने भगवान को भी नहीं मानते। अच्छा, इतने रमे हुए हैं नरसी सेठ अपने इस धन दौलत की मोह माया में। जी साधु महाराज, नरसी सेठ से कहो कि हम भिक्षा लेकर ही जाएंगे, जिस मोह माया पे वो इतना घमंड करते हैं, ये मोह माया और धन दौलत उनके साथ नहीं जानी। हाथ से किया हुआ दान पुण्य ही उनके साथ जाना है, ये सारी दौलत माया यहीं पर रह जाएगी। ए रजस माया पे घमंड करे नार साथ तेरे जावन की, नरसी हर की भक्ति कर ले काम तेरे आवन हर की भक्ति कर ले काम तेरे आवन की, काम तेरे आवन की। हवेली कोठी बंगले काम नहीं कुछ आने, काम नहीं कुछ आने। जोड़ जोड़ धन कराया इकट्ठा काटे पेट बिराने, छोड़ सभी कुछ जावेगा तू जितने तेरे ठिकाने। हर की भक्ति कर ले काम तेरे आवन की, नरसी काम तेरे आवन की। सिकंदर चले गए रे हाथ, सिकंदर चले गए। 60,000 सगर के बेटे पल के अंदर चले गए, कुंभकर्ण रंगत बाली नल नील से बंदर चले गए। हर की भक्ति कर ले काम तेरे आवन की, नरसी काम तेरे आवन की। ना
चक्कर से सब झूठा जग का नाता, झूठा जग का नाता। जब तक जीवन रहे मनुष्य का झूठ नहीं सह पाता, कोई साथी बचे नहीं जब टेम आखरी आता। नरसी हर की भक्ति कर ले काम तेरे आवन की, नरसी काम तेरे आवन की। छाड़ माया के धंधे उसका नाम सुमर ले रे, उसका नाम सुमर ले। छल और कपट त्याग मन से भव सागर पार उतर ले। न्यू कहता हरे राम वैसला बुरे कर्म ते डर ले। नरसी हर की भक्ति कर ले काम तेरे आवन की, नरसी काम तेरे आवन की। जिस माया पे घमंड करे यो ना साथ तेरे जावन की, नरसी हर की भक्ति कर ले काम तेरे आवन की, नरसी काम तेरे आवन की। हाँ क्या हुआ मुनीम जी, क्या वो साधु चले गए? सेठ जी वो जाने वाले ना है, वो तो मुझे बहुत चमत्कार साधु लगे और बड़ी बड़ी ज्ञान की बात सुना रहे। और यू कहाँ? और सेठ नरसी से कह दियो मो माया को त्याग दें। मुनीम जी ये ढोंगी साधु हैं, ये ऐसे जाने वाले नहीं है ना। अच्छा आप एक काम करिए, उनसे कह दो कि सेठ जी बीमारी के कारण मर गए। ठीक है सेठ जी, जाकर कह देता हूँ। साधु महाराज अब तो हमारे नरसी सेठ मर चुके, अब कहाँ से भिक्षा लोगे? क्या नरसी सेठ मर गए? जी महाराज। चलो अब तो हम नरसी सेठ का अंतिम संस्कार करवा कर ही जाएंगे। कहो मुनीम क्या हुआ? सेठ जी हुआ कुछ नहीं, वे तो इतने ढेटे साधु हैं जाने का नाम नहीं ले रहे, और न्यू कह रहे जब सेठ जी मरी गए तो अंतिम संस्कार करवा के जाएंगे। अच्छा एक काम करो। हाँ जी। मेरी वो अर्थी लेके आओ। वो वाली जी? अभी मंगवाई जी, जरा लिया। और सेठ जी मन तो लग रहे काम देख। अरे ठीक कर दो काम को, कभी हो जा। चलो ठाओ भाई।
चलो उठाओ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। की करना सेठ जी? मुनीम जी, साधु चले गए क्या? गए नहीं, मैं यहीं खड़े। नू कह रहे फूंक के जाएंगे। अच्छा, चिता को अग्नि दे दो। फूंकना पड़ेगा जी, दे दे। उठो नरसी से, आंखें खोलो। हैं? अरे कृपा ते स्वामी, अज मार्ग देखूं सत्य।
मंदिर और धर्मशाला बनवाऊंगा गौशाला में, मंदिर और धर्मशाला बनवाऊंगा गौशाला में। साधु आला भेस गया कदे मोर धज के घर में, ज्ञान के फाटक खोल दिए तमे जान गया गिरधर में, ज्ञान के फाटक खोल आपके दर्शन पाकर मैं भी धन्य हो गया हूं। आपने मुझ मूर्ख मुझ अज्ञान की आंखें खोल दी हैं प्रभु, और आज से सभी धन दौलत धन माया कोठी बंगले सभी का त्याग करके मैं आपके अर्पण हूं। स्वामी आप मुझे क्षमा करें। हरनंदी जी, माता जी, तू तो अपने पियर वालों की बड़ी बड़ाई करती थी कि मेरा बाप तो बहुत बड़ा सेठ है, अब क्या होगा, उसने तो अपना सब कुछ लुटा दिया, अब वो कंगला भात में के लावेगा। माँ भात में ऐसी चिट्ठी लिखवाना जो उसका बाप दे ही ना पावे, बड़ी बड़ाई करती है अपने पियर वालों की। तू ठीक कह रही है बेटी, हेरी सासु ताने मारे मत ना, री को
माँ जी, आज अगर मेरे माझा या भाई होता तो आप लोगों के ताने न सुनने पड़ते। आज मेरा बाप फकीर है तो आप लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। ठीक है, आपको जो दिल करे वो कहिए, मेरे बाप से जो बनेगा वो दे जाएगा। चल बेटे चल, तेरे बाप उसे चिट्ठी लिखवाते हैं भात लाने की। अजी सुनते हो के? हाँ हाँ, क्या बात है? ब्याह के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, तुमने अभी भात की चिट्ठी बिना लिखी। अब लिख देता हूँ। और हाँ, अरे भाई तुम्हें भी अपने लिए कुछ मंगवाना है क्या? मुझे तो एक सोने की सिला मंगानी है अपने लिए। नाई के या चिट्ठी लेके हर नंदी के पीहर जूनागढ़ जाना, समझे? ठीक है सेठ जी, लेकिन जाना किसके यहाँ है? या चिट्ठी लेके तुझे नरसी के घर जाना, नरसी सेठ हर नंदी का बाप है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। और हाँ हाँ जी, सुनना, जो भी चिट्ठी पे लिखा है ना, सारा का सारा सामान आए। ठीक है सेठ जी, समझे? जरूर। जाओ। अरे भाई भाई, मुझे नरसी सेठ के यहाँ जाना है। नरसी सेठ? भाई नरसी सेठ वेट तो कोई है नहीं, और एक नरसी भगत जरूर है, उसे ही पहले नरसी सेठ वेट कहते। ठीक है भाई, उसी का पता बता दो। भाई एक टूटी फूटी झोपड़ी है, उसमें चले जाओ। 5-7 साधु बैठे भजन कीर्तन कर रहे होंगे, सीधे चले जाओ। ठीक है भाई। अरे भाई, तुम्हारे में से नरसी कौन है? भाई नरसी ये हैं। राम राम जी। राम राम भाई, आओ बैठो। मैं सिरसागढ़ से आया हूँ। मनसा मल सेठ ने यह भात की चिट्ठी भेजी। किसके भात की चिट्ठी? ये जो है हर नंदी की लड़की की शादी है। अच्छा, मेरी देवती की शादी है, तुम भात की चिट्ठी लेके आए हो। लाओ ये चिट्ठी मुझे दे दो। ये कैसी चिट्ठी है? अरे भाई, इस चिट्ठी में तो इतना सामान लिखा है कि मैं इसको कभी जीवन में भी नहीं दे सकती। नरसी जी, क्यों चिंता करते हो? जिसके ऊपर आपने सब कुछ लुटा दिया, वही कृष्ण कन्हैया हमारी मदद करेंगे। ठीक कहते हो साधु, जिसके ऊपर हमने सब कुछ लुटा दिया, अब तो वो कृष्ण कन्हैया ही हमारी मदद करेंगे। और कहते हैं भक्तों की मदद सदा भगवान करते हैं, अब तो वो तीनों लोक के दीनानाथ कृष्ण कन्हैया ही हमारी रक्षा करेंगे। अरे नरसी जी, तुम सब बातों में लगे रहोगे या कुछ मेरे खाने के लिए भी कुछ लाओगे? बहुत दूर से चल के आऊं, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ इंतजाम करो।
आप लकड़ियों का इंतजाम करिए, आप कुछ साग बथुआ खेतों से तोड़ कर लाइए, आओ हम कुछ इंतजाम करते हैं। ये तो भिखारी नजर आ रहे, ये बात में क्या देंगे? कोई इधर कुचला, कोई कह साग लेन जा, कोई कह जो है आटा लेन जा, मेरे खाने का कुछ इंतजाम नहीं, पेट में भूख लग रही।
अरे भाई लो खाना खा लो। अरे भाई तुम कौन हो? मैं नरसी सेठ का नौकर हूँ, उन्होंने ही मुझे आपके लिए खाना लेकर भेजा है। अच्छा लाओ लाओ। अरे सोने का गिलास, सोने का लोटा। सोने की कटोरी, लो भाई। अरे ठाकुर साहब ये बर्तन आप ही ले जाओ। अच्छा हमारे नरसी सेठ का यही कहना है। मैं ले जाऊं? हाँ बड़े मालदार लोग हैं, देखने में तो भिखारी लगते हैं। अच्छा भाई नरसी सेठ से कह देना कि भात लेकर जल्दी पहुंच जा। ठीक है ठाकुर साहब। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे ठाकुर साहब जी कहाँ चल दिए? मैं तो आपके लिए खेतों से साग और बथुआ तोड़ के लाया हूँ, आप खाना खाकर ही जाना। भोजन तो मैंने कर लिया नरसी जी। भोजन कर लिया? कब कर लिया? अभी तो खाया है। ये सोने चांदी के बर्तन मुझे भेंट में दिए। हे प्रभु तेरी लीला जब निराली है, आज तूने अपने भगत की लाज बचा दी। अच्छा नरसी जी मैं चलता हूँ, टेम पे पहुँच जाना। ठीक है ठाकुर साहब। चौधरी साहब राम राम। राम भाई राम राम। आओ बैठो नरसी जी, कहो कैसे आना हुआ? चौधरी साहब मुझे आपकी गाड़ी और बैल चाहिए, मुझे अपनी धेपती की शादी में भात लेकर जाना है। ऐसा है नरसी जी, गाड़ी भी ले जाओ बैल भी ले जाओ, बैल जरा बूढ़ा है गाड़ी जरा कमजोर है, थोड़ा आराम से जाना। ठीक है चौधरी साहब, ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अच्छा राम राम। अच्छा भाई राम राम। भाई राम राम। गाड़ी टूटी हुई बैल बूढ़े लिए, भात मरने को नरसी जी चल ही दिए। गाड़ी टूटी हुई बैल बूढ़े लिए, भात भरने को नरसी जी चल ही दिए। मन में रटते वो कृष्णा ही कृष्णा चले, पांच साधु पुराने भी संग में लिए। जय बोलो श्री कृष्ण की, जय बोलो श्री कृष्ण की, नाम उसका ही लेके ने हम चल दिए। गाड़ी टूटी हुई बैल बूढ़े लिए, गाड़ी टूटी हुई बैल बूढ़े लिए, भात भरने को नरसी जी चल ही दिए। मन में रटते वो कृष्णा ही कृष्णा चले, पांच साधु पुराने भी संग में लिए। जय बोलो श्री कृष्ण की, जय बोलो श्री कृष्ण की, नाम उसका ही लेके ने हम चल दिए। गाड़ी टूटी हुई बैल बूढ़े लिए, गाड़ी टूटी हुई बैल बूढ़े लिए, भात भरने को नरसी जी चल ही दिए। हमारी गाड़ी फंस गई, लगता है टूट गई। अब सिरसागढ़ कैसे पहुंचे? नरसी जी अपने उस प्रभु को याद करो, वही हमें इस संकट से दूर कर सकते हैं। अच्छा भाई अब तो उस कृष्ण कन्हैया की टेर लगाते हैं, अब तो उसी का आसरा है। ओह
ओ कन्हैया कहाँ सो गए, ओ कन्हैया कहाँ सो गए, अरे भाई क्या हुआ, तुम्हारी गाड़ी कैसे फंस गई? भाई हमको सिरसागढ़ जाना था, हमारी गाड़ी फंस गई, लगता है टूट भी। अगर मैं इसे ठीक कर दूं तो? लेकिन सिरसागढ़ तक मुझे भी ले जाना होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। We'll be right back.
सोनोडेक वीडियो।